नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में। दोस्तों, इस समय हमारे देश में जम्मू कश्मीर को लेकर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। भारत से लेकर पाकिस्तान तक हर ओर तनाव गहरा गया है। जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद हलचल बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है। घाटी में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के साथ ही जम्मू और श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। जम्मू में सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है और पर्यटकों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। वादी के महत्वपूर्ण संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों की चौकसी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिनांक 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की जानकारी राज्यसभा में दी। इसके बाद ही तुरंत विपक्ष में हंगामा प्रारंभ हो गया। फिलहाल कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने बदलाव की मंजूरी दे दी है। बसपा की ओर से भी इसे समर्थन दे दिया गया है। राष्ट्रपति के इस गैजेट नोटिफिकेशन को मंजूरी देने के बाद से अब कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370(1) के अलावा और कोई भी खंड लागू नहीं होंगे। राज्यसभा में इसे लेकर हंगामा जारी है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। लद्दाख भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में अभी और बात करेंगे। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और यह बैठक करीब आधे घंटे तक चली। इससे पहले पीएम आवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर के हालात पर जानकारी दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आर्थिक पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण संबंधी विधेयक भी पेश किया। यह बिल 28 जून में लोकसभा से पास हो चुका है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 में कश्मीर में सटे सीमा से इलाकों के नागरिकों को विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में मुख्य बदलाव होंगे कि एक तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा नहीं होगा, जो कि अनुच्छेद 370 के तहत उनका अपना एक अलग झंडा होता था। कश्मीर में अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन खरीद सकेंगे और दोहरी नागरिकता खत्म होगी। क्या है अनुच्छेद 370, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके मुताबिक भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों, रक्षा, विदेश और संचार के लिए कानून बना सकते हैं। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। देश के सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI और RTE लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 5 नहीं बल्कि 6 साल का होता है। इसी तरह अनुच्छेद 35(1) तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को लागू किया था। जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35(1) अनुच्छेद 370 का हिस्सा है। इसके तहत जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते। 14 मई 1954 को राज्य में रहने वाले लोग ही वहाँ के नागरिक माने गए हैं। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(1) के कारण संपूर्ण भारतीयों को जम्मू कश्मीर में भेदभाव प्रतीत होता था। कश्मीर भारत का स्वर्ग है। यह भारत का हिस्सा होते हुए भी अभी तक प्रत्येक भारतीय से अछूता था। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(1) के हटने के बाद सभी भारतीयों को एकरूपता का एहसास हुआ। भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाता है। यहां पर विभिन्न धर्मों एवं विविध भाषाओं के लोगों के रहते हुए भी एकता है। हमारा देश संपूर्ण विश्व में भाईचारे, प्रेम और सौहार्द की मिसाल पेश करता है। विश्व में सदियों से भारत की अहिंसक नीति और धर्मनिरपेक्षता एक उदाहरण रही है। भारत से मिसाल लेकर ही अनेक विश्व ने अपनी संस्कृतियों को विकसित किया है। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(1) का जम्मू कश्मीर से हटना एक बड़ा परिवर्तन है। परिवर्तन सदैव बदलाव लेकर आता है और एक नई दिशा दिखाता है।
सरकार के इस फैसले से सभी भारतीयों की एकता की डोर और मजबूत हुई है। जम्मू कश्मीर में सरकार क्या नए फैसले लेगी ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि इससे देश में हर ओर सकारात्मक बदलाव होंगे जो हर भारतीयों को प्रगति की ओर बढ़ाएंगे और उनमें आत्मविश्वास लेकर आएंगे। धन्यवाद।